हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इसमें हम आज आइडेंटिफाई करेंगे कि फेक वुडलैंड शूज़ कैसे होते हैं और ओरिजिनल वुडलैंड शूज़ कैसे होते हैं। तो मेरे पास दो बॉक्सेस हैं वुडलैंड शूज़ के, दोनों सेम बूट्स हैं, टैन बूट्स हैं, सेम साइज़ है, सेम कलर है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा और आप मेरा साथ देंगे इसमें। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कमियां हैं कुछ एक जो फेक लग रहा है उस शू में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ। इसमें हमारे पास एक वुडलैंड के बहुत ही अच्छे दिखने वाले बूट हैं, आप देख सकते हैं, आपने इसको देखा भी होगा, मैं क्लोजली दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये सेम बूट है जो कि हमारे पास दूसरा पेयर भी मौजूद है। तो एक मैं इसमें से निकाल लेता हूँ, ये मैंने इससे निकाल के रख लिया। ये मुझे लग रहा है कि ओरिजिनल है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है ओरिजिनल है, जिसमें ब्रांडिंग वगैरह बहुत अच्छे से दी हुई है। ये देखिए ब्रांडिंग, यहाँ वुडलैंड की ब्रांडिंग दी हुई है, साथ ही यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है वुडलैंड का। आप अगर सोल देखेंगे तो सोल में भी वुडलैंड का ये लोगो है, ये साइन है, WDL लिखा हुआ है, आप जानते होंगे। तो ये मुझे लग रहा है ओरिजिनल है, तो मैं इसको यहाँ पे एक निकाल के रख लेता हूँ, ये डब्बा में रख देता हूँ अलग। ठीक है, इसके अलावा ये जो दूसरा मेरे पास बॉक्स है, इसमें भी वुडलैंड के वही सेम शू है जैसा कि ये है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसमें भी सेम शूज़ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम इसमें पेयर ऑफ बूट है। मैं लेफ्ट ही निकालता हूँ क्योंकि मैंने उसमें ओरिजिनल वाला लेफ्ट निकाला, तो मैं इसको लेफ्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको, अब इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और ये है जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा फेक है। हाँ, आपको थोड़ा सा चमक दिख रही होगी, इसमें थोड़ा शाइन कर रहा है, और जो ये मुझे ओरिजिनल लग रहा है इसमें थोड़ा कम शाइन है, आपको थोड़ा दिख रहा होगा कम शाइन है। साथ ही जो ये है इसमें भी ऐसा नहीं है कि ब्रांडिंग नहीं दी हुई है, इसमें लोगो लगा हुआ है, लोगो है। इसमें सोल देखेंगे तो सोल में भी इसमें ये ट्री बनी हुई है वुडलैंड की, जो कि लोगो है, WDL लिखा हुआ है, जो कि साइन है। सोल भी अच्छी क्वालिटी का है, इस जूते में कुशनिंग भी अच्छी है, आप देखें इसमें कुशनिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है। अंदर भी अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें वुडलैंड का ये देखिए लोगो है, अंदर भी इसकी पूरी ब्रांडिंग है, लोगो है। और जो कि ये दूसरा शू है इसमें भी पूरी ब्रांडिंग, लोगो वगैरह सब दिया हुआ है। ये देखिए इसमें भी ब्रांडिंग है, लोगो है, जो कि मुझे ओरिजिनल लग रहा है। तो क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, आप देखें, आपको देखने से अगर कुछ पता चल रहा हो तो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक में देखिए यहाँ पे यूज़ किया गया है लेदर का। ठीक है, इसमें लेदर का यूज़ किया गया है, ये मेन डिफरेंस नहीं है। इसमें तो कपड़े का यूज़ किया गया है, इसमें लेदर का यूज़ किया गया है। लेकिन जब आप सिलाई देखेंगे, जो ये सिलाई है आप देख रहे होंगे, सिलाई ओरिजिनल में आप स्केल से नाप सकते हैं, जो दूरियां होंगी, गैप्स होंगे, वो एकदम बराबर होंगे। जबकि जो फेक होते हैं इसमें जो गैप्स होंगे, दूरियां होंगी, वो बराबर नहीं होती हैं। जो ये रेस ट्रैक जैसी सिलाई बनी हुई है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप इसमें खुद अंतर देखें, इसमें ज़रा सा भी गैप नहीं है। इसमें जो जोड़ है, जोड़ का हिस्सा है, यहाँ पर ज़रा सा भी गैप नहीं है। लेकिन इसमें आप गैप देखें, आपको इसमें गैप दिख रहा होगा, तो ये डिफरेंस है। साथ ही आप सोल कलर देखें, सोल कलर डिफरेंट है। सोल में एक चीज़ खासियत है, जो यहाँ पे आपका रबर दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा, देखिए इसमें पुशिंग काफ़ी अच्छी है, इसमें कुशनिंग एक टाइप की हो रही है। लेकिन जो ये है सोल, इसमें इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये थोड़ा हार्ड है, हार्ड सोल है। इस पर भी आप देखें तो ये थोड़ा सा हार्ड सोल है ये, लेकिन जो ये सोल है ये उतना हार्ड नहीं है। तो सोल का हार्ड ना होना भी एक कारण हो सकता है। साथ ही एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, जो ये आईलेट्स लगे हुए हैं, आईलेट्स में क्लोजली दिखाऊंगा इसमें आपको, अगर आपको दिख रहा है तो आईलेट्स में देखिए कोई भी इसमें ब्रांडिंग नहीं है, आप इसको ज़रूर गौर से देखें, इसमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। जबकि ये जो आईलेट हैं इसमें, इसमें कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की, इसमें देखिए वुडलैंड की ब्रांडिंग दी हुई है, इसमें वुडलैंड के, देखिए अगर आपको दिख रहा है इसमें वुडलैंड के ब्रांडिंग दी हुई है। मैं क्लोजली दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिखे तो
नहीं, इसमें हमारे कैमरे में तो नहीं आ पा रहा है, मैं क्वालिटी इम्प्रूव करूँगा ज़रूर, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे वुडलैंड के जो ट्री है, पत्तियाँ हैं वो बनी हुई हैं, और इसमें जो हैं ये पत्तियाँ नहीं बनी हुई हैं, ये प्लेन है एकदम। तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, थोड़ा सा चमक रहा है और ये नहीं चमक रहा है, थोड़ा सा इसमें लेदर और यूज़ किया गया है, मोर कंफर्टेबल, मोर पावरफुल कह सकते हैं आप इसको। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों में। तो आप फेक और आइडेंटिफाई करने के लिए, फेक को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बाकी लेदर दोनों में अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, ठीक है, दोनों में अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज़ किया गया है। लेकिन किसी भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, किसी भी ऐसी वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर मत करें जिसमें आपको ज़्यादा ट्रस्ट ना हो। जो थोड़ा सा अच्छी वेबसाइट्स हैं, थोड़ा कम छूट देती हैं, वो मुझे लगता है कि बेटर है। या कोशिश करें कि शोरूम से ले लें। अगर बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा फेक या इमिटेशन वाला प्रोडक्ट हो। और वेट की बात करें तो वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों वेट सेम हैं लगभग। ये देखिए, तो ये था हमारा आज का वुडलैंड के बारे में, जो वुडलैंड का फेक और ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई कर, ये मैंने आपको बताया है। बाकी आपके ऊपर है, आप चेक करें लेदर क्वालिटी कैसी है, सोल क्वालिटी कैसी है, ब्रांडिंग कहाँ कहाँ दी हुई है, दी है या नहीं दी हुई है, ब्रांडिंग में कोई गलती तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखा दूँ, इसमें वुडलैंड का देखिए आप चिन्ह बना हुआ है, आपका साइन बना हुआ है, इस तरह से होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए लेदर के अंदर। दोनों में है वैसे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ दोनों में दिया हुआ है देखिए। और ख़ास बात यह है कि जब आप ये फीता देखते हैं, जो रिबन दिया हुआ था इसमें, इसमें ऊपर जो है कवर किया होता है प्लास्टिक से, ठीक है, इसमें भी प्लास्टिक से कवर किया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल होगा, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल में बहुत अच्छे से जुड़ा होगा, पूरा पेस्टेड होगा, निकलने की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन इसमें देखिए आप, इसमें बहुत अच्छे से पेस्टिंग नहीं है, ये टूट सकता है, फट सकता है यहाँ से। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, आपको आइडेंटिफाई करना है इसके लिए। और बिल्कुल देखते रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊँ। आप इसको लाइक लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें अगर मेरा चैनल करना चाहें तो, साथ ही इसको फॉरवर्ड करें तो मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगी, मैं और कैमरा क्वालिटी ज़रूर इंप्रूव करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।